Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 6.7 exercise ka aage next question number 2 hai. If x plus 1 over x is equal to 8, then find value of x cube plus 1 by x cube. Ek to ye question jo hai usi tarike se formula se hal honge. Dusra ek question ke bare mein ye cheez zehen mein rakhi jaye ki inko bade gaur se samjhe. ना कि इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने एक तरह के सारे क्वेश्चन ही कराए, तीन चार कराए, बाकी आप पे छोड़ दिए, लेकिन ये मैंने चारों के चारों क्वेश्चन आपको हल करवा रहा हूँ, इसलिए कि इन क्वेश्चन की अहमियत बहुत ज़्यादा है. इससे एक तो ये कि फार्मूले पे ग्रिप पूरी तरह हो जाती है, दूसरा ये अगली क्लासेज में बड़ी क्लासेज में जाकर भी बिल्कुल सेम जो है क्वेश्चन जो है इसी तरीके से हैं, जो कि काफ़ी अहमियत रखते हैं. तो अब इसका तरीका उसी तरीके से, ये आपने इस किस्म के क्वेश्चन पहले 6.1 में भी समझे हुए, वहाँ स्क्वेयर वाले थे, यहाँ क्यूब वाले हैं, तो यही इन दोनों जगह पे जो है ना फर्क जहन में रखा जाए तो आसानी हो जाती है कि अगर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर वाली बात है तो फिर यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर ऑफ, और अगर क्यूब वाली बात आए तो फिर लिखेंगे टेकिंग क्यूब. अब जो रकम दी गई है उसका टेकिंग क्यूब ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8. अच्छा, कई दफा यहाँ लिखा जाता है कि जी बोथ साइड, तो बोथ साइड लिखने की इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि एग्रीशन के अंदर हमेशा दोनों तरफ सेम अमल किया जाता है, जो अब एक तरफ होगा वही दूसरी तरफ होगा. तो यहाँ लिखे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब, तो इक्वेशन इक्वल है क्योंकि दूसरी तरफ जो है वहाँ भी क्यूब होगा. अब इसके अगर हम गौर करें तो ये बनेगा ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब. आप इसको ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनटू ए प्लस बी. अब ए की जगह पे एक्स आ रहा है, बी की जगह पे 1/x आ रहा है, और ये 3 जो है फार्मूले वाला जिसको बोला जाता है, फिर ये ए और बी आपस में मल्टी होते हैं, ये ए की जगह पे आ गया और ये बी की जगह पे मल्टीप्लाई ए प्लस बी. तो और 8 का क्यूब 512, 8 8 64 64 8 512. तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है. ये एक्स और 1/x ये एक दूसरे का जो रेसिप्रोकल होते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 बच गया, और x प्लस 1/x की जगह पे इसकी वैल्यू दर्ज की जाएगी, ये जो शुरू में क्वेश्चन में दी हुई है 8. तो एक्स क्यूब प्लस 1/x 8 3 24 = 512, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ = 512 - 24. अब इनको माइनस किया जाए तो ये 488 बचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³. अब यहाँ पहले प्लस वाला था, ये माइनस वाला आ गया, बाकी सारी तरतीब और तरीका इसका भी वही है कि चूंकि क्यूब दिया हुआ है तो टेकिंग क्यूब ऑफ एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3. तो एक्स माइनस 1/x इसका भी होल क्यूब इज इक्वल टू के पार 3 का भी होल क्यूब. तो ये बन गया ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. अब ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 1/x, ये 3 फार्मूले वाला, ये एक्स 1/x, ये दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल हो जाएंगे. एक्स माइनस 1/x की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू दर्ज की जाएगी जो कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर दी हुई है. तो ये देगा एक्स क्यूब माइनस 1/x की, ये माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 27. एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 27, ये माइनस का 9 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 36. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³. तो ये भी क्यूब वाला है, टेकिंग क्यूब ऑफ एक्स प्लस 1 बाई
x equal to 7. X plus 1 by x equal to, sorry, whole cube is equal to 7 cube. ये बन गया a plus b whole cube. तो a की जगह पे x आ रहा है, b की जगह पे 1 by x आ रहा है. फार्मूले के मुताबिक आप इसको ओपन करें, 7 का क्यूब निकालें, 7 7 जार 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 343, x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब, ये x और 1 by x आप इसमें कैंसिल हो गए, x प्लस 1 by x की जगह पे उसकी वैल्यू दर्ज की जाएगी जो कि 7 है. तो नेक्स्ट स्टेप में 37 जार 24 इक्वल टू 343, x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब क्यूब इक्वल टू 343 माइनस 21, x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब इक्वल टू 343 में से 21 को माइनस किया जाए तो 322. क्वेश्चन नंबर 5, इफ x माइनस 1 by x इक्वल टू 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 by x क्यूब. ये माइनस वाला है, बाकी तरतीब तरीका सारा इसका वही है, फार्मूले के मुताबिक लेके चले इसको. तो ये x माइनस 1 by x whole cube is equal to 2 का जो तक क्यूब हो जाएगा. तो ये a की जगह पे x आ रहा है, b की जगह पे 1 by x आ रहा है. तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a b into a माइनस b, ये x क्यूब माइनस 1 by x क्यूब, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. इनको वैसे रख देंगे, ये माइनस 3 आ गया, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल हो जाएंगे. x माइनस 1 by x की वैल्यू कर दी जाएगी 2 और ये 8. x cube minus 1 by x cube, 3 2s are 6 is equal to 8. x cube minus 1 by x cube is equal to 8 plus 6. x cube minus 1 by x cube is equal to 14. तो ये total question, 4 question हैं ये, और इनकी importance ये है कि next बड़ी class में जाकर भी ये आपको बड़े काम आएंगे अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें. इसके साथ ही अल्लाह.